6-11 समाजशास्त्र अध्याय 5 भारतीय समाजशास्त्री दूसरा भाग, इसको हमने 3 भाग में विभक्त कर रखा है। द्रुजट प्रसाद मुखर्जी 1894-1961। 5 अक्टूबर 1894 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्म, जहाँ की उच्च शिक्षा की लंबी परंपरा थी। विज्ञान में स्नातक, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 1924 लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति। 1938-41 ब्रिटिश भारत के यूनाइटेड प्रोविंस की कांग्रेस गठित सरकार में वर्तमान उत्तर प्रदेश सूचना मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्ति। 1947 यूपी लेबर इंक्वायरी कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1949 लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त, उपकुलपति के विशेष आदेश पर। 1953 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति। 1955 नवनिर्मित इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में अध्यक्षीय भाषण। 1956 स्विट्जरलैंड में गले के कैंसर की सर्जरी। 5 दिसंबर 1961 को निधन। अभी आप द्रुजट प्रसाद मुखर्जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपने देखा, जो एक विशेष भारतीय समाजशास्त्री हैं। आगे देखें आप। उनका विश्वास था, डीपी ने अंग्रेजी तथा बंगाली में काफ़ी पुस्तकें लिखी। उनके द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक इस विषय में एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो ईश्वर की कालजयी रचना मानी जाती है। परंपरा एवं परिवर्तन पर डीपी मुखर्जी के विचार। डीपी मुखर्जी भारतीय इतिहास तथा अर्थव्यवस्था के प्रति अपने असंतोष के कारण समाजशास्त्र की ओर मुड़े। उनका यह मानना था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था ही उसका निर्णायक एवं विशेष लक्षण है, इसलिए यह प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक है कि वह इस संदर्भ में इससे जुड़ा हो। भारतीय संदर्भ में निर्णायक पक्ष उसका सामाजिक पक्ष है। इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र पश्चिम के मुकाबले भारत में कम विकसित थे, उनका सामाजिक आयाम अधिकाधिक विकसित था। डीपी लिखते हैं, मेरा यह मानना है कि भारत में सामाजिकता का बाहुल्य है, इसके अलावा और सब कुछ बहुत कम है। वास्तव में सामाजिकता की अधिकता भारत की विशेषता ही है। भारत का इतिहास, इसका अर्थशास्त्र, यहाँ तक इसका दर्शन सामाजिक समूहों के इर्द गिर्द घूमता है। ज़्यादा से ज़्यादा यह भी कह सकते हैं कि यह सामाजिकृत व्यक्तियों के इर्द गिर्द है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मुखर्जी ने 1952 तो भारत में समाज की केंद्रीय स्थिति को देखते हुए भारतीय समाजशास्त्री का यह प्रथम कर्तव्य था कि वह सामाजिक परंपराओं के बारे में पढ़े तथा जाने। डीपी के लिए परंपरा का अध्ययन केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह परिवर्तन की संवेदनशीलता से भी जुड़ा था। परंपरा एक जीवंत परंपरा थी, जिसने अपने आप को भूतकाल से जोड़ने के साथ ही साथ वर्तमान के अनुरूप भी ढाला था। इस प्रकार समय के साथ अपने आप को विकसित कर रही थी। जैसा कि उन्होंने लिखा, सिर्फ भारतीय समाजशास्त्री के लिए एक समाजशास्त्री होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी प्रथम आवश्यकता यह भारतीय होना है, क्योंकि वह लोक रीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं तथा परंपराओं से जुड़कर ही अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंदर तथा उसके आगे क्या है को समझ पाएगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उनका मानना था कि समाजशास्त्रियों को भाषा को सीखना तथा भाषा की उच्चता, निम्नता और संस्कृत की पहचान हो। न केवल संस्कृत, फारसी अथवा अरबी भाषाएँ, बल्कि स्थानीय बोलियों की भी जानकारी हो। डीपी ने यह तर्क दिया कि भारतीय संस्कृति तथा समाज पाश्चात्य अर्थ में व्यक्तिवादी नहीं है। एक औसत भारतीय की आकांक्षाओं का रूप कम या अधिक उसके सामाजिक सांस्कृतिक वर्ग द्वारा तय किया जाता है, और वह शायद ही उससे विचलित होता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की दिशा मुख्यतः समूह, संप्रदाय तथा जाति के क्रियाकलापों द्वारा निर्धारित होती है, न कि स्वैच्छिक व्यक्तिगत कार्यों द्वारा। हालांकि स्वैच्छिकता ने शहरी मध्यम वर्ग को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके आने से भारतीय समाज को अध्ययन के लिए एक रोचक
विषय मिल गया था। परंपरा शब्द का मूल अर्थ संचारित प्रेषित करना है। डीपी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। इसका समतुल्य संस्कृत शब्द परंपरा है, जो कि उत्तराधिकार अथवा आतिथ्य है, जिसका मूल आधार वही है जो इतिहास का है। परंपरा की मजबूत जड़ें भूतकाल में होती थी हैं और उन्हें कहानियों तथा मिथकों द्वारा कहकर और सुनकर जीवित रखा जाता है। हालांकि परिवर्तन भी भूतकाल से उसके संबंध को नहीं तोड़ पाया, बल्कि यह अनुकूलन की प्रक्रिया को इंगित करता है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन के आंतरिक तथा बाह्य स्रोत हमेशा मौजूद रहते हैं। पाश्चात्य समाज में आंतरिक परिवर्तन का अत्यधिक सामान्य स्रोत अर्थव्यवस्था है, परंतु यह भारत में उतना प्रभावशाली नहीं है। जैसा कि डीपी मानते थे कि भारतीय संदर्भ में वर्ग संघर्ष जातीय परंपराओं से प्रभावित होता है और उसे अपने में सम्मिलित कर लेता है। भारत में नवीन वर्ग संघर्ष अभी स्पष्ट रूप में उभर कर नहीं आया है। इस समझ के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक गैर आर्थिक कारणों को देखना होगा। डीपी की यह मान्यता थी कि भारतीय परंपरा में परिवर्तन के तीन सिद्धांतों को मान्यता दी गई है, श्रुति स्मृति तथा अनुभव। इन सब में आखिरी अनुभव अथवा व्यक्तिगत अनुभव क्रांतिकारी सिद्धांत है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय समाज में परिवर्तन का सर्व प्रमुख सिद्धांत सामान्यीकृत अनुभव अथवा समूहों का सामूहिक अनुभव था। उच्च परंपराएं स्मृति तथा श्रुति में केंद्रित थी, परंतु समय समय पर उन्हें समूहों और संप्रदायों के सामूहिक अनुभवों द्वारा चुनौती दी जाती थी। उदाहरणतः भक्ति आंदोलन। डीपी ने बल देकर कहा कि यह केवल हिंदुओं के लिए ही सही नहीं, बल्कि भारत की इस्लामी संस्कृति के लिए भी सही है। भारतीय इस्लाम में सूफियों ने पवित्र ग्रंथों की अपेक्षा प्रेम तथा अनुभव पर अधिक बल दिया है, जिसने परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीपी के लिए भारतीय संदर्भ में बुद्धि विचार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली शक्ति नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से अनुभव और प्रेम परिवर्तन के उत्कृष्ट कारक हैं। भारतीय संदर्भ में संघर्ष तथा विद्रोह सामूहिक अनुभवों के आधार पर कार्य करते हैं, परंतु परंपरा का लचीलापन इसका ध्यान रखता है कि संघर्ष का दबाव परंपराओं को बिना तोड़े उसमें परिवर्तन लाए। हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभावी रूढ़िवाद को लोकप्रिय विद्रोहियों द्वारा चुनौती दी जाती है, जो आगे चलकर रूढ़िवाद को परिवर्तित करने में सफल तो हो ही जाती है, परंतु ये परिवर्तन आखिरकार परंपरा में अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह चक्र लगातार अपने आप को दोहराता रहता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया जहाँ संघर्ष परंपरा की सीमाओं में रहता है, ठेठ जातिगत समाज का लक्षण है, जहाँ वर्गों के बनने तथा वर्ग चेतना को अवरोधित कर दिया गया है। टीपी के परंपरा और परिवर्तन संबंधी विचारों ने पाश्चात्य देशों से बिना सोचे समझे बौद्धिक परंपराओं को ग्रहण करने के कारण विकास योजनाओं जैसे संदर्भों की भी आलोचना की। परंपरा को न तो पूजना चाहिए और न ही इसको अनदेखा करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे आधुनिकता आवश्यक तो है लेकिन अंधानुकरण के लिए नहीं। डीपी परंपरा के समीक्षक थे जो उन्हें विरासत में मिली थी, और साथ ही वे आधुनिकता के प्रशंसक आलोचक भी थे, जिसके कारण उनके स्वयं के बौद्धिक परिप्रेक्ष्य को आकार प्राप्त हुआ। ए आर देसाई ऐसे बिरले भारतीय समाजशास्त्री हैं जो सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों से औपचारिक सदस्य के रूप में राजनीति से जुड़े थे। देसाई आजीवन मार्क्सवादी रहे तथा मार्क्सवादी राजनीति में उनकी सक्रियता बड़ौदा में स्नातक की पढ़ाई करते हुए हुई। हालांकि बाद में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अपने व्यवसाय के अधिकांश भाग में वे गैर मुख्यधारा के मार्क्सवादी राजनीतिक समूहों से जुड़े थे। देसाई के पिता बड़ौदा राज्य में माध्यमिक स्तर के प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन साथ ही वे एक जाने माने उपन्यासकार भी थे। उनके मन में भारतीय राष्ट्रवाद, गांधीवाद तथा समाजवाद दोनों के लिए हमदर्दी थी। देसाई की माता का देहांत उनके जीवन के प्रारंभिक काल में हो गया था। उनकी देखभाल उनके पिता ने की। पिता के बड़ौदा के विभिन्न स्थानों में लगातार होने वाले स्थानांतरण के कारण देसाई ने प्रवासी जीवन जिया। विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप। जीवंत परंपरा से क्या तात्पर्य है, विचार कीजिए। डीपी मुखर्जी के अनुसार
यह एक परंपरा है जो भूतकाल से कुछ ग्रहण कर उससे अपने संबंध बनाए रखती है, साथ ही नई चीज़ों को भी ग्रहण करती है। एक जीवंत परंपरा पुरानी तथा नए तत्वों का मिश्रण है। आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब आप विभिन्न पीढ़ी के लोगों से, चाहे वे आपके पड़ोसी हैं या परिवार के सदस्य, यह जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में वे कौन सी चीज़ें हैं जो परिवर्तित हो चुकी हैं या फिर वे जो आज भी परिवर्तित नहीं हुई हैं। यहाँ इस विषय से संबंधित एक सूची दी जा रही है जिस पर आप काम कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद विषय को भी चुन सकते हैं, जैसे आपकी उम्र के बच्चों द्वारा खेला जाने वाला खेल, चाहे वह लड़का हो या लड़की, किसी लोकप्रिय त्योहारों को मनाने के तरीके, पुरुषों और स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला पहनावा। इसके अतिरिक्त आपकी रुचि के अन्य विषय, इनके लिए जरूरी है कि आप ढूंढें जहाँ तक आपकी सोच जाती है ऐसे कौन से पहलू हैं जिनमें परिवर्तन नहीं आया है, किन पहलुओं में परिवर्तन हो गया है, इस व्यवहार में समानता और असमानता क्या है। 10 वर्ष पश्चात, 20 वर्ष पश्चात, 40 वर्ष पश्चात, 60 या अधिक वर्ष पश्चात अपने निष्कर्षों की चर्चा विद्यार्थी कक्षा में करेंगे। आगे देखें आप। अक्षय रमनलाल देसाई भारतीय समाजशास्त्री हैं, 1915-1994। 1915 में जन प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में, फिर सूरत तथा मुंबई। 1934-1939 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, प्रोटेस्ट के ग्रुप से संबद्ध। 1946 जीएस गुर्रे के निर्देशन में बम्बई विश्वविद्यालय से पीएचडी। 1948 देसाई की पीएचडी शोध पुस्तक के रूप में प्रकाशित, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। 1951 बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र में नियुक्ति। 1953-1981 रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य। 1961 रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित। 1967 प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति। 1975 स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एसेज इन रिसेंट प्रकाशित। 1976 समाजशास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त। 1979 पेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया प्रकाशित। 1986 एग्रियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रकाशित। निधन 12 नवंबर 1994। अभी आप अक्षय रमनलाल देसाई का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके द्वारा जो विविध क्रियाकलाप थे उनके बारे में आपने देखा, सुना और पढ़ा। बड़ौदा में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद देसाई ने बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रवेश लिया, जहां गुरे उनके गुरु थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक पहलुओं पर अपने डॉक्टरेट का शोध ग्रंथ लिखा, जिस पर 1946 में उन्हें डिग्री प्रदान की गई। 1947 में उनकी थीसिस द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म प्रकाशित हुई, जो उनके द्वारा किए गए कार्यों में सबसे बेहतरीन है। इस पुस्तक में देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद का मार्क्सवादी विश्लेषण किया, जिसमें आर्थिक प्रक्रियाओं एवं विभाजनों को महत्व दिया गया है। यह ध्यान रखते हुए कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय हालात कैसे थे, हालांकि इसकी आलोचना हुई, पर फिर भी यह पुस्तक बेहद प्रसिद्ध हुई। इसका कई बार पुनर्मुद्रण भी हुआ। अन्य विषय जिन पर देसाई ने काम किया वे हैं किसान आंदोलन तथा ग्रामीण समाजशास्त्र, आधुनिकीकरण, नगरीय मुद्दे, राजनीतिक समाजशास्त्र, राज्य के स्वरूप और मानवाधिकार। चूँकि मार्क्सवाद भारतीय समाजशास्त्र में बहुत प्रभावशाली या महत्वपूर्ण नहीं था, ए आर देसाई को अपने विषय की तुलना में बाहर ज़्यादा मान मिला। हालांकि देसाई को कई पदवियों से सम्मानित किया गया। वे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय समाजशास्त्र में देसाई एक अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व रहे। राज्य पर ए आर देसाई के विचार। आधुनिक पूंजीवाद राज्य एक महत्वपूर्ण विषय था जिसमें ए आर देसाई की रुचि थी। हमेशा की तरह इस विषय को समझने में भी उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक निबंध में देसाई ने विस्तारपूर्वक इसकी विवेचनात्मक समीक्षा की है, इसकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। समाजशास्त्री साहित्य की प्रमुख परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए देसाई ने कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं बताई। नंबर 1, कल्याणकारी
राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है। इसका अर्थ है कि वह उदारवादी राजनीति के शास्त्रीय सिद्धांत की लेसेज फेयर नीति से भिन्न होता है। कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नहीं करता जो राज्य तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, बल्कि कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेपी राज्य होता है और समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक नीतियों को तैयार तथा लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग सक्रिय रूप से करता है। कल्याणकारी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य होता है। कल्याणकारी राज्य के जन्म के लिए लोकतंत्र की एक अनिवार्य दशा होती है। औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं विशेषकर बहुपार्टी चुनाव कल्याणकारी राज्य की पारिभाषिक विशेषता समझी जाती है। यही कारण है कि उदारवादी चिंतकों ने समाजवादी तथा कम्युनिस्ट राज्यों को इस परिभाषा से बाहर रखा। कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ निजी पूंजीवादी कंपनियाँ तथा राज्य अथवा सामूहिक कंपनियाँ दोनों साथ साथ कार्य करती हों। एक कल्याणकारी राज्य न तो पूंजीवादी बाजार को खत्म करना चाहता है और न ही यह उद्योगों तथा दूसरे क्षेत्र में जनता को निवेश करने से रोकता है। कमोबेश कल्याणकारी राज्य जरूरत की वस्तुओं और सामाजिक अवसंरचना पर ध्यान देता है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं पर निजी उद्योगों का वर्चस्व होता है। देसाई कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिसके आधार पर कल्याणकारी राज्य द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण किया जा सके। ये हैं, क्या कल्याणकारी राज्य गरीबी सामाजिक भेदभाव से मुक्ति तथा अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखता है? क्या कल्याणकारी राज्य आय संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाता है, जैसे धन के जमाव को रोककर अथवा अमीरों की आय के कुछ भाग को गरीबों में पुनः बांटना आदि? तीसरा, क्या कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित करता है जहां पूंजीवादियों की अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोक लगाई जा सकती है? क्या कल्याणकारी राज्य अस्थायी विकास के लिए आर्थिक मंदी तथा तेजी से मुक्त व्यवस्था का ध्यान रखता है? क्या यह सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराता है? इस आधार को ध्यान में रखते हुए देसाई उन देशों के कार्यों का परीक्षण करते हैं जिनको अक्सर कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका तथा यूरोप के अधिकांश भाग। और हम यह पाते हैं कि उनके द्वारा काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए थे। अधिकांश आधुनिक पूंजीवादी राज्य, यहाँ तक कि विकसित देश भी अपने नागरिकों को न्यूनतम आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रहे हैं। वे आर्थिक असमानताओं को कम करने में सफल नहीं हो पाए हैं और अधिकांशतः उसे प्रोत्साहित भी करते हैं। तथाकथित कल्याणकारी राज्य बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त अस्थायी विकास करने में भी असफल रहे। अतिरिक्त धन की उपस्थिति तथा अत्यधिक बेरोजगारी इसकी कुछ अन्य असफलताएं हैं। अपने इन तर्कों के आधार पर देसाई ने निष्कर्ष निकाला कि कल्याणकारी राज्य की सोच एक भ्रम है। यार देसाई ने राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर भी लेखन कार्य किया। उनके इन लेखों में हम देख सकते हैं कि देसाई एकांगी दृष्टिकोण को लेकर नहीं चलते हैं, बल्कि कम्युनिस्ट राज्यों की कमियों की आलोचना भी करते हैं। उन्होंने कई मार्क्सवादी चिंतकों के उदाहरणों द्वारा इस तथ्य पर बल दिया है कि कम्युनिज्म के तहत भी लोकतंत्र का महत्व होता है तथा राजनीतिक उदारता एवं कानून का राज प्रतीक वास्तविक समाजवादी राज्य में बने रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप अर्धसाई कल्याणकारी राज्य की आलोचना मार्क्सवादी तथा सोशलिस्ट दृष्टिकोण से करते हैं। वे चाहते हैं कि पाश्चात्य पूंजीवादी कल्याणकारी राज्यों ने जो किया है राज्य अपने नागरिकों के लिए उससे अधिक करे। आज इसके विपरीत ये तर्क दिए जा रहे हैं कि राज्य अपनी भूमिकाओं को निरंतर कम करे और इन भूमिकाओं और दायित्व के निर्वाह का बड़ा भाग स्वतंत्र बाजार के हवाले कर देना चाहिए। कक्षा में इस दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए और दोनों पक्षों का ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने आस पड़ोस में राज्य तथा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सूची बनाइए। शुरुआत अपने विद्यालय से कीजिए। लोगों से पता करने के लिए पूछिए कि आज के संदर्भ में क्या यह सूची बढ़ी है या छोटी हुई। क्या राज्य पहले की अपेक्षा आज अधिक कार्य कर रहा है या कम? आपको क्या लगता है, यदि राज्य इन कार्यों को करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या आपका पड़ोस विद्यालय की स्थिति खराब, अच्छी अथवा वैसी ही रहेगी? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर राज्य अपने कुछ क्रियाकलापों को रोक दे तो अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग तथा गरीब व्यक्ति के विचार वैसे ही रहेंगे अथवा उन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा।
आपके पड़ोस में राज्य द्वारा दी गई सुविधाओं एवं सेवाओं की एक सूची बनाइए। सरकार द्वारा ये सुविधाएं रोक दी जाएं अथवा चलाई जाएं। इस विषय पर विभिन्न वर्गों के विचार किस प्रकार से अलग हो सकते हैं उन्हें देखिए। जैसे सड़क, पानी, बिजली, सड़क की बत्तियाँ, विद्यालय, सफाई, पुलिस सेवाएँ, अस्पताल, बस, ट्रेन, वायु परिवहन, कुछ अन्य चीज़ों को सोचिए जो आपके संदर्भ में अनिवार्य हों। आगे देखें आप, स्वतंत्र भारत के बेहतरीन भारतीय समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन ने डॉक्टरेट की उपाधि दो बार प्राप्त की, एक बम्बई विश्वविद्यालय से तथा दूसरा ऑक्सफोर्ड से। श्रीनिवास मुंबई में दुर्रे के शिष्य थे। ऑक्सफोर्ड के सामाजिक मानव विज्ञान विभाग में अध्ययन के दौरान इनके बौद्धिक अभिविन्यास में बदलाव आया। उस समय ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान पाश्चात्य मानव विज्ञान में एक प्रभावी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था और श्रीनिवास स्वयं विषय के महत्वपूर्ण केंद्र में रहकर उसके अध्ययन से प्रसन्न थे। श्रीनिवास के डॉक्टरेट के शोध निबंध का प्रकाशन रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया के नाम से हुआ। इस पुस्तक में श्रीनिवास ने ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान में प्रभावी संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य पर कार्य किया। इस पुस्तक ने पूरे विश्व में श्रीनिवास का सम्मान बढ़ाया। ऑक्सफोर्ड में नव स्थापित भारतीय समाजशास्त्र विभाग में प्रवक्ता के रूप में श्रीनिवास की नियुक्ति की गई, परंतु 1951 में इस्तीफा देकर वे भारत लौट आए, जहां महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा में नव स्थापित समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला। 1959 में वे दिल्ली आए, जहां दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की, जो शीघ्र ही पूरे भारत में समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। श्रीनिवास अक्सर यह शिकायत करते थे कि उनका अधिकांश समय संस्थाओं को बनाने में ही बीत जाता है और स्वयं उनके पास शोध कार्य के लिए बहुत ही कम समय रह जाता है। इन कठिनाइयों के रहते हुए भी श्रीनिवास ने कुछ विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे जाति आधुनिकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाएं, ग्रामीण समाज इत्यादि। श्रीनिवास ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान तथा सहयोगियों की मदद से भारतीय समाजशास्त्र को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया। उनकी ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान तथा अमेरिकन मानव विज्ञान, विशेष तौर पर शिकागो विश्वविद्यालय में जबरदस्त पहचान थी, जो उस समय विश्व मानव विज्ञान में एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर रहा था। जिसघोर रहे तथा लखनऊ के विद्वानों की तरह श्रीनिवास ने भी नई पीढ़ी के समाज को तैयार किया, जो आने वाले दशकों में अपने विषय के दिग्गजों के रूप में स्थापित होने वाले थे। M.N. श्रीनिवास के गांव संबंधी विचार। M.N. श्रीनिवास की रुचि भारतीय गाँव तथा ग्रामीण समाज में जीवन पर बनी रही। यद्यपि वे गाँव में कई बार सर्वेक्षणों तथा साक्षात्कार के लिए जा चुके थे, लेकिन एक वर्ष तक मैसूर के निकट के एक गांव में कार्य करने के पश्चात ही इन्हें ग्रामीण समाज के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई। गांव में रहकर कार्य करने का अनुभव इनके व्यवसाय तथा बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1950-60 के दौरान श्रीनिवास ने ग्रामीण समाज से संबंधित विस्तृत निर्जातीय ब्यौरों के लेखेजोखों को तैयार करने में सामूहिक परिश्रम को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि उनका समन्वय भी किया। श्रीनिवास ने आगे हम इस भारतीय समाजशास्त्र के चैप्टर 5 के अंतिम या तीसरा भाग के बारे में बताएंगे, यही दूसरा भाग पूर्ण होता है।